क्यों समर टेन अपना वही इक्वी डिस्टेंस वाला है जो अपने एक्सरसाइज के अंदर भी किया था। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी पर स्थित। बड़ा सिंपल ये कह रहा है इफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज एट इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये अपना पॉइंट का मतलब हमेशा पी, मैंने कहा था पी, और पॉइंट्स जो बाकी दो बचेंगे वो होगा ए और बी। मतलब अपना जो डायग्राम है ना फिक्स डायग्राम है, और ये सपोज अपने ए माना, ये अपने बी माना, और ये अपना पी है एक्स कोमा वाई, और यहाँ से वो सम दूरस्थ है यानी समान दूरी पर स्थित है। कौन से? ये दो बिंदु, यानी एक तो 2,1 है और एक है 1,-2। ठीक है, तो अपन थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेंगे इसके अंदर। ये अपने जो जो नाम दिया था कि लेट ए 2,1 एंड बी 1,-2, कॉमा लगा दो चलो यहाँ पर, एंड जो पी है वो एक्स कोमा वाई है, ये मान माना बिंदु, लेट पॉइंट्स कर लेना, माना बिंदु ए बी तथा पी, ब्रैकेट में ये लिख देना हिंदी वाले बच्चे भी आगे, ये हैं, ये अपन को मान के चल रहे हैं। अब दूसरी बात, उसने कहा कि वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सम दूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो वैन इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस जब होता है, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बता रखा है, जब समान दूरी पर हो, जब समान दूरी पर होंगे पॉइंट्स तो अपन क्या लिखेंगे, इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने कहा था ना, इसका मतलब ये होता है कि जो पी पॉइंट है ना वो ए से भी और बी से भी इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ए पी बराबर बी पी। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी बराबर बी पी, कब? जब वो इक्वी डिस्टेंस, जो समान दूरी पर स्थित, तो तब ये लिखेंगे अपन। ठीक है, ए पी का मतलब ए और पी, इसका मतलब सिर्फ इन दोनों कोऑर्डिनेट की बात करेंगे अभी ए पी के लिए। तो ए पी के लिए एक्स वन अलग होगा, एक्स टू अलग होगा, वाई वन अलग होगा, वाई टू अलग होगा, वैसा के वैसा ही बी पी के लिए एक्स वन अलग होगा, एक्स टू अलग होगा, वाई वन अलग होगा, वाई टू अलग होगा। ठीक है, तो देखो पहले ए पी के लिए देखते हैं। ए पी में एक्स वन दो है, एक्स टू एक्स है, वाई वन वन है, वाई टू वाई है। फिर बी पी के लिए देख लो, तो इधर से एक्स वन पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, एक ही बात है, एक्स वन वन है, एक्स टू एक्स है, वाई वन माइनस टू है और वाई टू वाई है। ठीक है, इसके बाद में आपको बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अपन एक बार ए पी के लिए। ठीक है, ए पी के लिए अपन लगा देंगे एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर बराबर ऐसा ही बी पी के लिए लगा देंगे एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। तो देखो वैल्यू पुट कर दो, एक्स वन कितना है टू, माइनस एक्स टू कितना है एक्स का होल स्क्वायर, प्लस वाई वन कितना है वन, वाई टू कितना है वाई। ये बी पी के लिए, बी पी के लिए एक्स वन कितना है वन, एक्स टू कितना है एक्स, वाई वाई वन कितना है माइनस टू, और माइनस और वाई भी है माइनस का स्क्वायर। के बाद अपन इधर कर लेते हैं। तो देखो ये चार ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, आंसर कौन सा वो देख लेंगे, ब्रैकेट फिर लगा दो। यहाँ देखो ए माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, तो यानी कि थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं अपन, जगह चाहिएगी तो अपन यहाँ तक ले लेते हैं इसको, ए स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए टू है और बी एक्स है। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ए माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए और बी बराबर, वहाँ स्पेस नहीं, आपको नीचे बराबर में उतारना, लेकिन अभी अपन नीचे उतार रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी, प्लस यहाँ पर भी वही ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, लेकिन a की वैल्यू फॉर्मूले में प्लस की होती है, लेकिन ये माइनस का है, इसका मतलब यहाँ पर a माइनस का ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और b। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्पेस कम है, यहाँ लिख लेते हैं, दो का स्क्वायर चार, एक्स स्क्वायर रहेगा, टू टू ज़ा फोर, ये हो गया माइनस का फोर एक्स, ऐसे यहाँ पर वन का स्क्वायर वन ही होगा, वाई स्क्वायर रहेगा, माइनस टू वाई
टू वाई बराबर, ये वाला लाइन आ जाएगी, ये दोनों बराबर में ही है, तो फिर रूट तो रूट रह जाएगा एक बारी, वन का स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, या माइनस टू का स्क्वायर तो प्लस फोर वाई स्क्वायर, माइनस टू इंटू माइनस टू फोर, और फोर को आएंगे प्लस का फोर वाई, तो प्लस का फोर वाई हो जाएगा। रूट से रूट कंपेयर कर दो, रूट से रूट कट जाएगा, चाहते तो वहां पर भी रूट से रूट काट सकते थे, यहाँ काट दो, ऐसा मान लो रूट नहीं है। पीछे क्या बचा, फोर और वन, नंबर नंबर जोड़ दो, तो ये पाँच लिख देते हैं सीधा, फाइव हो गया, बाकी कुछ भी ऐड हो नहीं रहा था, एज इट इज उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई। इधर की बात करें तो वन और फोर, इधर भी फाइव है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का फोर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई। अब क्या करो, देखो ये पाँच प्लस का, ये पाँच माइनस का, तो फाइव से फाइव कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, जैसे फाइव इधर आके कटा था ना वैसे ही कट जाएगा, वैसे वैसे वाई स्क्वायर प्लस का है जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। इधर तो बच गया माइनस का फोर एक्स माइनस का टू वाई, इधर बच गया माइनस का टू एक्स प्लस का फोर वाई। ठीक है, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बराबर में जीरो रखना है तो जीरो रख लो, तो माइनस का फोर एक्स, ये रहा एक्स की वैल्यू इधर ले आओ तो वो हो जाएगा प्लस का टू एक्स, या माइनस का टू वाई है, फोर वाई को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का फोर वाई। मतलब अपन ने सबको इधर लेके आगे, उधर क्या बचा जीरो, उस साइड जीरो बचा। अब यहाँ इसका सोल्यूशन किया तो यहाँ बच गया माइनस का टू एक्स, क्योंकि माइनस के फोर एक्स प्लस के टू एक्स, तो माइनस का टू एक्स, और ये हो गया माइनस का सिक्स वाई बराबर जीरो। तो देखो वैसे तो यहाँ जीरो है, वैसे तो ये भी सही आंसर है, लेकिन इस फॉर्म में अगर ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो फिर अपन एक काम करेंगे, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। पहली बात तो ये कि इसमें कहीं पर भी माइनस नहीं है, सोचने वाली बात है, कहीं पर भी माइनस नहीं है तो अपन क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन, तो माइनस भी कॉमन लेंगे। दूसरी बात, कहीं पर भी छः वाई नहीं है, इसका मतलब अपन दो कॉमन ले लेंगे, दोनों में टू कॉमन जा रहा है तो माइनस टू कॉमन ले लो, ताकि अंदर की वैल्यू कैसे हो जाएगी प्लस की। कैसे, कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना, तो माइनस टू का जब माइनस टू में भाग दिया तो प्लस का एक्स बच गया, क्योंकि एक्स अकेला बच गया, फिर माइनस टू माइनस माइनस प्लस, और टू थ्री जा सिक्स, दो तीन छः, और वाई का वाई बराबर जीरो। अब ये माइनस टू चला जाएगा जीरो के नीचे तो वो हो जाएगा जीरो, तो पीछे क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि माइनस टू जीरो के भाग में चला गया, डिवाइड में चला गया, तो हो गया जीरो, पीछे क्या बचा, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर जीरो। तो एक्स प्लस थ्री वाई का मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लास्ट में जाके भी देख लो, यहाँ अगर आप नहीं देखोगे अच्छे से तो वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 10।